नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया था जो कि नर्वस सिस्टम चैप्टर से था, जो कि एक पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी का। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम उसके आगे के क्वेश्चन को लेकर चलने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से नर्वस सिस्टम को कम्प्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा ऑल ऑफ दीज। और इनमें क्या क्या हैं, पेसमेकर, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्व्स बोलते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि बात करें इस पे डियर स्टूडेंट, तो हृदय स्पंदन का आरंभ पेसमेकर या यस्य नोड करता है, परंतु इसके नियंत्रण में तंत्रिकाओं का योगदान होता है। वेगस तंत्रिका दसवीं जोड़े की मिश्रित कपाली तंत्रिका होती हैं। यह हृदय स्पंदन की दर को कम करके हृदय स्पंदन का नियंत्रण करता है। इसे काट देने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं हृदय स्पंदन को बढ़ाती हैं तथा पैरा सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं हृदय स्पंदन को घटा देती हैं। नंबर 22 की तरफ, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी कपाली तंत्रिका हृदय की धड़कन के नियमन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व पार्टिसिपेट्स इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, तो बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेगस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वेगस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, यह रहा क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है वेगस तंत्रिका होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, वेगस नर्व इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दसवीं कपालीय तंत्रिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 क्रैनियल नर्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, नेत्रों में अंधबिंदु ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, चार ऑप्शन बिल्कुल आपको विजिबल हो रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसका राइट आंसर तो सभी हैं, ए भी हैं, बी भी हैं और सी भी हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, क्लियर हो जाएगा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन द आई ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, ये भी इसका राइट आंसर है। इट इज अ स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, ये भी इसका आंसर होगा, और नो इमेज फॉर्म्ड ऑन इट, ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इस पर बात करें तो जो आईबाल के सबसे भीतरी स्तर अर्थात रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर नेत्र तंत्रिकाएँ यानी ऑप्टिक नर्व्स नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। यहाँ पर संवेदी कोशिका यानी रिसेप्टर शलाका तथा शंकु नहीं होते हैं, अतः यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंधबिंदु पर, बढ़िया क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट, अब देखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख एवं शलाकाएं दोनों नहीं होते। क्या हैं, देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलाका द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रार्स इज द राइट आंसर। नेत्र के सबसे भीतरी स्तर अर्थात रेटिना पर दो प्रकार के संवेदांग होते हैं, एक होता है रार्स और दूसरा होता है कॉन्स। रार्स को सलाका बोलते हैं। सलाका रात्रि या कम प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं तथा श्वेत व श्याम प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि शंकु दिन या तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं एवं रंगीन प्रतिबिंब निर्माण के प्रति सहायक होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और यह रहा क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आपके सामने। चलिए पहले हिंदी वर्जन को कवरअप करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है श्रावण द्वारा। तो चार ऑप्शन आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मीबोमियन ग्रंथियों के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। द फ्रिक्शन बिटवीन द आईलिड्स एंड द कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सेक्रेशन ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मीबोमियन ग्लैंड्स इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इस पर तो हम मीबोमियन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला तैलीय तरल पलकों की निचली सतह तथा नेत्र गोलक की उघड़ी सतह पर ढकी कार्निया तथा इसके ऊपर की नेत्र श्लेष्मा जिसको कंजक्टिवा कहते हैं को नम बनाए रखता है। यह तरल कार्निया की सतह पर अश्रु की एक समान पतली परत बनाता है। मीबोमियन ग्रंथियाँ रूपांतरित सीबेसियस ग्रंथियाँ होती हैं तथा पलकों के किनारे की त्वचा में स्थित होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन्स इज द राइट आंसर। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं केवल जंतुओं में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक देखी गई है। लाल रुधिराड़ जो RBC होता है तथा कुछ लिम्फोसाइट मनुष्य के शरीर की सब बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। भूख का केंद्र स्थित होता है क्या है? हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डायएनसेफेलन का भाग है। यह एक तंत्र की अंतःस्रावी भाग है। इसके कई महत्वपूर्ण तंत्रिकीय कार्य हैं जैसे शरीर के तापमान का नियंत्रण केंद्र, भूख व प्यास का नियंत्रण केंद्र आदि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। श्रवण नियंत्रित होता है इसके द्वारा। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स इज द राइट आंसर। अगर बात किया जाए इस पे तो डियर स्टूडेंट अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में कई लोब होते हैं। इनमें चार मुख्य हैं। कौन कौन से चार हैं? फ्रंटल हैं, पैराइटल हैं, टेम्पोरल हैं तथा ऑक्सीपिटल होते हैं। इनमें से जो टेम्पोरल लोब द्वारा श्रवण भाषा गंध यादाश्त तथा भावनाओं का नियंत्रण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है सुनने का नियंत्रण होता है। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर आई थिंक आप क्लियर होंगे। राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है आंतरिक कर्ण के अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शरीर संतुलन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बॉडी बैलेंसिंग इज द राइट आंसर। आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं शरीर संतुलन से संबंधित हैं। शरीर की किसी भी दिशा में विविध गतियों के अनुसार अर्धचक्रीय नलिकाओं की अंतरलसिका अर्थात एंडोलिम्फ में भी गतियां होती हैं जिससे संवेदी कूटों के कुपुला हिलकर संवेदी कोशिकाओं को उत्तेजित कर देती हैं। इसी उत्तेजना को जब श्रवण तंत्रिकाएं मस्तिष्क में पहुंचाती हैं तो वहां से टांगों की पेशियों को ऐसी प्रतिक्रिया की प्रेरणा मिलती है जिससे गति के समय शरीर का संतुलन बिगड़ने ना पाए या बिगड़ने पर पुनः ठीक हो जाए।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, श्वसन केंद्र जो श्वसन और निःश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यांश दीर्घायत इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन को देखिएगा, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन द, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मेडुला ओब्लांगोटा इज द राइट आंसर। जो हिंड ब्रेन के मध्यांश दीर्घायत अर्थात मेडुला ओब्लांगोटा तथा पोन्स वरोली में श्वासोच्छ्वास क्रिया को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं। इसमें खांसने, छींकने, हिचकी, वमन, स्वाद आदि के भी समन्वयन केंद्र होते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एम्पेडाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा एम्पिडाइमल सेल्स आर फाउंड इन, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेन इज द राइट आंसर। एम्पिडाइमल कोशिकाएं एक प्रकार की न्यूरोग्लिया कोशिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकी ऊतक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिंटू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर गुहाओं में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं सेरिब्रो स्पाइनल तरल का श्रावण करती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मिसनर प्लेक्सेस पाए जाते हैं, मिसनर प्लेक्सेस इज फाउंड इन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जठरांतरी मार्ग में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। मिसनर प्लेक्सस जठरांतरी मार्ग की दीवारों में पाए जाते हैं। यह तंत्रिका कोशिकाओं तथा अनुकंपी तंत्रिकाओं यानी सिंपैथेटिक नर्व्स से बना एक जाल होता है जो आंत की पेशी अस्त्रों तथा म्यूकोसा अस्त्रों के बीच में होता है। यह आंतरिक श्रावण को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज कॉल्ड स्टेटो अकस्टिक ऑर्गन बिकॉज इट इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, दोनों का मतलब ए और बी सुनना और संतुलन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी बोथ इज द राइट आंसर, मिंटू से हियरिंग एंड बैलेंसिंग इज द राइट आंसर। अगर इस पे बात की जाए तो स्तनधारियों में अंतःकरण में एक कलायुक्त तो संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं कला गहन यानी मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कहते हैं। इसमें अर्धवृत्तीय नलिका यानी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकुल तथा कॉक्लिया प्रमुख भाग होते हैं। इसमें अर्धवृत्तीय नलिकाएं तथा यूट्रिकल संतुलन से तथा कॉक्लिया श्रवण से संबंधित होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है मध्यकर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आयाम बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन मिडिल ईयर कैविटी इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज या इंक्रीज एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर। मध्यकर्ण में तीन कर्ण अस्थियां यानी ईयर ऑसिल्स होती हैं। यह ध्वनि तरंगों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी या आयाम को लगभग 20 गुना बढ़ा देती हैं, परंतु इससे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्तनधारियों में महारंध्र किससे घिरा होता है। इन मैमल्स फॉर्मेन मैग्नम इज बाउंडेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी अस्थियों में, जो ऊपर दिए गए तीन अस्थियां उन सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इग्जोसिपिटल बैसियोसिपिटल एंड सुप्रोसिपिटल बोन्स इज द राइट आंसर। बात की जाए अगर इस पर तो वर्टिब्रेट्स जंतुओं में जो क्रेनियल स्केल्टन
का खोखला भाग पीछे की तरफ मध्य में एक बड़े अपर्चर द्वारा खुलता है जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं। स्तनधारियों में इसके चारों तरफ निम्न अस्थियां होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला है सुप्रा, क्या है सुप्रोओसिपिटल, जो कि डॉर्सल में होती हैं। दूसरा है बैसियोसिपिटल, जो वेंट्रा में होती हैं, और इग्जोसिपिटल जो होती हैं लैट्रा में होती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सेरिब्रम का आंतरिक खोखला भाग कहलाता है, द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पार्श वेंट्रिकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लेटरल वेंट्रिकल इज द राइट आंसर। बात करें डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है केवल सेरिब्रम गुहा के बारे में, और विकल्पों में पार्श वेंट्रिकल का विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेरिब्रम के दोनों अर्धभागों यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की गुहाओं को पार्श वेंट्रिकल या पैरासील कहते हैं। यदि पार्श वेंट्रिकल का विकल्प नहीं होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता, दूसरी वेंट्रिकल यानी सेकंड वेंट्रिकल इसका राइट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कार्पस कैलोसम जोड़ता है, कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं प्रमस्तिष्क का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स दो गोलार्धों बायां तथा दायां में बटा होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक्सान के एक गुच्छे द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसके माध्यम से दोनों गोलार्धों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा पार्श्व निलय निम्न के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट विथ डायोसील थ्रू, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मनोरंध्र इज द मोनरो रंध्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फोरमेन ऑफ मोनरो इज द राइट आंसर। सेरिब्रम की गुहा को लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील कहते हैं तथा डायएनसेफेलन की गुहा को तीसरी वेंट्रिकल या द्विक गुहा यानी डायसील कहते हैं। ये दोनों गुहाएं आपस में फोरमेन ऑफ मोनरो यानी मोनरो रंध्र द्वारा संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार से नर्वस सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बहुत जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो में जिसका नाम होगा इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसलिए अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।